आज हम डिफरेंशिएशन के बाद अब इंटीग्रेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सबसे जो मेन फार्मूला डिफरेंशिएशन के अंदर था वो पावर रूल था, और इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। यही रूल हर जगह अप्लाई होगा। मैक्सिमम इस t की पावर 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस 3 हो जाएगी, ये माइनस 2 हो जाएगी, और ये इसी तरह रहेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग दिस रूल, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये t की पावर माइनस 2 नीचे ले आते हैं, माइनस 1 बाय 2 t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाय t हो जाएगा, माइनस 2 t प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर ले अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। याद रखें साइन एक्स तो सिंपल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो फंक्शन है इनको कैसे करना है ये भी इजी है। बस इसमें ये देखना है आपने कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, क्या वो मौजूद है? तो माइनस तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो यहाँ अंदर माइनस आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस साइन x आगे मौजूद है, cos x का डेरिवेटिव आगे हमारे पास मौजूद है। इसलिए अब हम इसको n प्लस 1 और n प्लस 1 वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन x का इंटीग्रेशन तो सिंपली माइनस cos x हो जाएगा, और इसके ऊपर n प्लस 1 लगाना है तो cos x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c माइनस cos x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप देखें tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता, हाँ tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको secant स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लूँ तो ये इंटीग्रेट हो सकता है, बिकॉज tan स्क्वायर x खुद किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x। इस 1 को मैं अगर उस तरफ ले जाऊँ तो tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज secant स्क्वायर x किस चीज का डेरिवेटिव है, tan x का। तो secant स्क्वायर x पर अलग से इंटीग्रेशन लगा दी इस पर भी, तो ये हो जाएगा tan x। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल होता है, यानी x होता है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसलिए x आएगा प्लस c। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 को तो बहुत सिंपल है, 2x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 3x प्लस c, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस c।
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। अब आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, थ्री। आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपन अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो आपका आंसर ठीक है, तो आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, लग रहा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसको आपने रीड करना है कि किस फॉर्म में इसको बनाना है। तो कॉस एक्स की पावर सिक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस की कमी है, आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, इसलिए मैं माइनस बाहर भी लिख देता हूँ और इसके साथ भी माइनस लिख देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास है, अब हम n प्लस वन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कॉस एक्स की पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस वन प्लस सी, तो माइनस कॉस सेवन एक्स ओवर सेवन प्लस सी। एक और एग्जांपल देखते हैं, टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन भी इंतहाई सिंपल है, अगर आप और से देखें इसको, मैं इस तरह से लिखता हूँ, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, थ्री, कॉन्स्टेंट का जीरो। तो क्या ये मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिख दिया। तो जब मैंने आपको बताया था एक चीज़ वन ओवर में हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका मतलब है वो एल एन एक्स है। तो इसका मतलब है हम एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन प्लस सी ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव लें यही आएगा, एल एन वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री। तो ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन तो सेम है, इसका मतलब है आपका मेथड ठीक है, आपने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। तो इस तरह से आप किसी भी इंटीग्रेशन को के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे इसको।